नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि विंडो को लगाने के बाद कुछ इस तरीके से विंडो में मॉस्किटो जाली लगाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप विंडो में जाली लगाने की सोच रहे हैं तो आपका लगभग कितना खर्च हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि विंडो की जाली आपको कितने की मिलेगी। और इसके साथ साथ जाली में आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से वुड यानी कि लकड़ी के बॉर्डर्स लगाए जाते हैं, तो ये बॉर्डर आपको कितने के मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जाली को लगाने के लिए जो कारपेंटर आएगा वो आपसे कितना रुपए चार्ज करेगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो लगी हुई है और इस विंडो के ऊपर हम लोहे की जाली लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस विंडो के साइज़ की बात करें तो इस विंडो का साइज़ 3 फिट बाई 2 फिट 6 इंच है, यानी कि 3 फिट बाई 2.5 फिट की ये विंडो है। तो विंडो का साइज़ पता होने के बाद आपको विंडो का एरिया निकाल लेना है। जितना विंडो का एरिया आएगा उतना ही आयरन मेस यानी कि आयरन की जाली उतने स्क्वायर फिट लगेगी। तो विंडो का एरिया निकालने के बाद आप देख सकते हैं कि 7.5 स्क्वायर फिट आ गया। तो इतना स्क्वायर फिट हमें जाली खरीदनी है। तो यदि हम जाली की प्राइस की बात करें तो हमारे एरिए में 14 रुपये यानी कि 14 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से ये वाली आयरन नेट मिल रही है। तो चलिए हम 14 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7.5 स्क्वायर फिट जाली का कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 105 यानी कि 105 रुपये की जाली हो गई। ये जाली आप देख सकते हैं ये 105 रुपये की है। तो इसी तरीके से आप विंडो का एरिया निकाल कर जाली का प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, जाली का प्राइस निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि विंडो के ऊपर ये नेट लगाने के बाद इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से लकड़ी का एक बॉर्डर लगाया जाता है, और ये बॉर्डर आपको मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा। इसको यदि आप बनवाने जाएंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो ऐसे में मार्केट में ये लकड़ी की पट्टियाँ आती हैं, तो इसको आप वहीं से खरीद लीजिएगा तो ये बहुत ही सस्ती आपको मिल जाएंगे। तो इस विंडो में आप देख सकते हैं कि विंडो के चारों तरफ लकड़ी की पट्टियां लगाई गई हैं और इसके साथ साथ बीच में भी एक पट्टी लगाई गई है। तो टोटल मिलाकर इस विंडो में 14 फीट लकड़ी की पट्टियां लगाई गई हैं। बट मार्केट में आपको 14 फीट पट्टियां कटी हुई नहीं मिलेगी। मार्केट में आपको 5-5 फीट का 3 लेंथ लेना पड़ेगा, यानी कि 15 फीट आपका लेना पड़ेगा, जिसमें से 14 फीट लग गया इसमें और 1 फीट बचा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 15 फीट लकड़ी की पट्टियाँ खरीदी थी, और यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो हमें 9 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से मिला था। तो 15 फीट हमने लिया था, तो 9 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल लकड़ी की पट्टियों का कितना रेट हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 135 रुपये की 135 रुपये की हमारी लकड़ी की पट्टियाँ हो गई। तो उड के पट्टियों का रेट निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर रेट निकालना है। तो इस छोटी सी विंडो के ऊपर आयरन जाल लगाने के लिए जो मिस्त्री आया था उसने 200 रुपये यानी कि 200 रुपये चार्ज लिए थे। तो चलिए अब हम टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल आयरन जाली का और लकड़ी की पट्टियों का और इसके साथ साथ लेबर का मिलाकर इस विंडो पर जाली लगाने का टोटल कितना खर्च हो गया। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं कि 440 रुपये का खर्च हो गया। तो यदि आप 3 फिट बाई 2.5 फिट की विंडो में कुछ इस तरीके से आयरन जाली लगाने की सोच रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका 440 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच का खर्च हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।